हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके व्याकरण भाग से पत्र लेखन यानी कि पत्र को कैसे लिखा जाता है इसे सीखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ न जाए नेत्र वहाँ जाए पत्र, अर्थात पत्र के माध्यम से हम अपने से दूर बैठे लोगों से संपर्क कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपने संदेश दूर बैठे अपने रिश्तेदारों मित्रों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी तथा समाज की समस्याओं के हल के लिए अधिकारियों मंत्रियों आदि को भी पत्र लिख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया इंटरनेट ईमेल तथा वीडियो कॉलिंग जैसे अत्याधुनिक संचारों एवं साधनों के होते हुए भी पत्र लेखन अपना अलग ही महत्व रखता है। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर और दूसरा है अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र जो पत्र किसी विशेष कार्य के लिए उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, पुस्तक मंगाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, कविता छपवाने के लिए संपादक को पत्र आदि। सभी सरकारी व कार्यालय पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो पत्र किसी मित्र रिश्तेदार या अन्य प्रियजनों को लिखे जाते हैं उन्हें अनौपचारिक व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं। माता पिता दादा दादी नाना नानी मित्र आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक होते हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा आसान स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले पत्र में बाईं ओर अपना पता व तिथि लिखनी चाहिए। विद्यालय संबंधी पत्रों में सेवा में के बाद पत्र पाने वाले का पद तथा पता लिखा जा सकता है। ऐसे पत्रों में तिथि पत्र के अंत में भी लिखी जाती है। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे औपचारिक पत्र में महोदय महोदया श्रीमान श्रीमती मान्यवर आदि। अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए प्रिय बंधुवर तथा बड़ों के लिए आदरणीय पूजनीय आदि। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए अभिवादन के लिए सादर प्रणाम चरण स्पर्श, छोटों के लिए आशीर्वाद सदा खुश या सुखी रहो व बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्ते नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाए तो पत्र प्रभावी बनता है। अनौपचारिक पत्रों के समापन में उचित शब्दों जैसे बड़ों को प्रणाम छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। औपचारिक पत्रों के समापन में अधिकतर धन्यवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये थे पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें। अभ्यास कार्य में आपको पत्र लेखन का प्रारूप दिया गया है, आप उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।